महाभारत रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। महाभारत रणक्षेत्र कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। यही उपदेश आज देश दुनिया में ज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला एक ऐसा रास्ता है जिसे सभी धर्म के लोग मानते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संबंध को दर्शाता कोई भी मंदिर देश दुनिया में अभी तक नहीं था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इस्कॉन ने पहल करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर की स्थापना का बीड़ा उठाया है। कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर स्थान पर इस्कॉन द्वारा एक भव्य कृष्ण अर्जुन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। साल 2015 में इसका शिलान्यास किया गया था और 2022 तक इसके पूर्ण होने की संभावना है। अर्जुन कृष्ण मंदिर अपनी तरह का एक भव्य और विशाल मंदिर होगा जो इस्कॉन द्वारा बनाया जा रहा है। इस मंदिर में एक विशाल काय रथ होगा जिसमें घोड़े जुते होंगे और नवीन तकनीक का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। मंदिर के लिए घोड़े और रथ का निर्माण इंडोनेशिया में किया जा रहा है। साल 2022 तक यहां पर उनको स्थापित किया जाएगा। और अब आगे सुनिए कृष्णा दास को। हरे कृष्णा। तो ये पूरे विश्व का एक अद्भुत और एक अनोखा मंदिर बनने जा रहा है, श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर चार घोड़े यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, जिनकी हाइट जो होगी वो 40 फुट की होगी। ये मंदिर 6 एकड़ में बन रहा है और पूरे विश्व में ऐसा मंदिर नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि मानो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत के युद्ध में लेके जा रहे हैं। तो चार घोड़े होंगे और साथ के साथ पहिए होंगे और ऊपर हनुमान जी का एक बहुत सुंदर ध्वजा भी होगा। तो दूर से देखकर आप प्रतीत ऐसा होगा कि एक बहुत ही सुंदर रथ है, क्योंकि जो पहिए हैं वो भी चल रहे होंगे और हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ये जो घोड़े होंगे, चार घोड़े जो होंगे जो इंडोनेशिया से बनकर आ रहे हैं, वो ऐसे थोड़ा बहुत मोशन में रहेंगे, तो इट विल लुक लाइक ए चैरियट जी। तो इसमें कितना जो समय है वो लग रहा है और कितने जो घोड़ों की ऊंचाई लंबाई क्या सेंस रहेगी? तो हमारा जो टारगेट है वो है 2022 का। 2015 में इस मंदिर का शिलान्यास हुआ था, 2018 में हमने इसका कंस्ट्रक्शन प्रारंभ किया था, 2022 को हमने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ तक कि हम मंदिर के बारे में डिटेलिंग की बात करें तो मंदिर जो है वो 6 एकड़ में फैला हुआ है। और तो और अगर हम घोड़ों की बात करें तो घोड़ों की जो लेंथ है वो 41 फुट की है और घोड़ों की जो हाइट है वो 34 मीटर्स की है। 23,000 स्क्वायर फुट मंदिर का जो क्या है वो एरिया है, और जो मंदिर की हाइट है वो है 165 फुट। गोविंद जी, ऐसा मंदिर दुनिया में कहीं और नहीं है, ये कहाँ से तैयार हो रहा है सारे जो घोड़े और सब रथ वगैरह? देखिए, ये जो घोड़े जो तैयार हो रहे हैं वो इंडोनेशिया में तैयार हो रहे हैं, और पूरे विश्व में ऐसा मंदिर तो होने वाला नहीं है। खासकर कुरुक्षेत्र को एक इंटरनेशनल लेवल पे इस्कॉन के द्वारा ये बनाया गया जो मंदिर है, ये इंटरनेशनल लेवल पे स्पेशली टूरिस्ट के लिए पूरा बूम कर देगा। जिस प्रकार वृंदावन में इस्कॉन का मंदिर है, बोलते हैं ना हरे रामा हरे कृष्णा, देखो कितने विदेशी भक्त आते हैं, ऐसे ही आने वाले टाइम में अनेकों सैकड़ों विदेशी यहाँ पर आएंगे, हमारे कुरुक्षेत्र में आएंगे, हमारे हरियाणा में आएंगे, जिससे टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा। देखिएगा, बहुत सारे जो फॉरेन टूरिस्ट हैं हमसे पूछते हैं, रशिया से, लंदन से, यूएस से, अमेरिका से, ना ऑस्ट्रेलिया से, हम कुरुक्षेत्र आना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है ठीक ठाक साफ़ सुथरी जगह रहने के लिए, हमें थोड़ा सा डर भी लगता है। लेकिन इस्कॉन के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं पूरे विश्व में जहाँ पर हम आराम से जा सकते हैं। तो इस मंदिर में गेस्ट हाउस भी बन रहा है, ठीक है, इस मंदिर में इस्कॉन के इंटरनेशनल लेवल पे एक चेन है रेस्टोरेंट्स की, गोविंदा रेस्टोरेंट बनेगा। इसमें एक लाइब्रेरी भी बन रही है जिसमें स्टूडेंट्स आकर क्या कर सकते हैं, वैदिक शास्त्र को पढ़ सकते हैं, भगवद गीता के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज भी ले सकते हैं। इस मंदिर में एक बहुत ही सुंदर आर्ट गैलरी बन रही है, महाभारत के बहुत ही सुंदर
ड्राइंग उसमें रहेंगे। इस मंदिर के अंदर एक बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा मल्टीमीडिया, जिसमें हम पूरी महाभारत प्रयास करेंगे रोबोट्स के द्वारा, हम अपने भक्तों को, आने वाले जो पर्यटकों को दिखाएंगे। तो स्वरूप किन किन के इसमें भगवान श्री कृष्ण के अलावा रहेंगे? तो इसमें तीन ऑल्टर हैं। सेंटर में रहेंगे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। पूरे संसार में राधा कृष्ण के मंदिर आपने देखे हैं, श्री राम जी के मंदिर आपने देखे हैं, भोलेनाथ जी के मंदिर देखे हैं, लेकिन कृष्ण और अर्जुन के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे नहीं। यहाँ पर आपको इस्कॉन के मंदिर में मिलेंगे। कृष्ण अर्जुन भगवान बीच में रहेंगे, साइड में गौर निताई रहेंगे और एक दूसरी साइड पे जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा महारानी जी रहेंगे। तो कब तक तैयार होने की उम्मीद है? 2022 गीता जयंती का टारगेट हमें परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी, जिनके नेतृत्व में ये मंदिर बन रहा है, और उनके शिष्य जो परम पूज्य साक्षी गोपाल जी प्रभु जी, जो इस मंदिर के प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं, तो 2022 हमारा टारगेट है।